जय हिंद दोस्तों। सबसे पहली बात कि महाराष्ट्र में जो भी कुछ उठापटक मची हुई है उसमें लगातार इतनी नई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि ये किसी मतलब मिस्टीरियस टीवी सीरीज़ का कहीं प्लॉट तो नहीं है जो हम रियलिस्टिक वे में लाइव तरीके से पूरा सामने होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि सचिन वाजे का निष्कासित होना, उसके बाद अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके ऊपर आरोपों की बौछार होना, उसके बाद अर्णब गोस्वामी को लेकर कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो चीज़ें कही हैं, जैसा कि आज कहा है कि भाई अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के 3 दिन पहले अब नोटिस देना होगा, तो ये जो चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं ये एक पूरा मीडिया का तबका है जो कि अलग ही नरेटिव से दिखा रहा है। मतलब आपको वो कुछ इस तरीके से इन चीज़ों को बताएगा कि आपको लगेगा सुन के कि यार ये कितना गलत हो रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि भाई आपको जो चीज़ दिखानी चाहिए जिस तरीके से, आप उस तरीके से नहीं दिखा रहे हो, इसीलिए तो लोग आपकी खबरों को देखते कम हैं और गालियाँ ज़्यादा देते हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें बात की बात हैं। सचिन वाजे के केस में अब जो नई बात निकल कर सामने आई है उसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आर्टिकल की हेडिंग कुछ इस प्रकार है कि 5-स्टार होटल में 100 दिनों के लिए कमरा, 5 ब्लैक बैग और एक मिस्ट्री महिला। अब यहाँ पे ये पूरी बातें काफ़ी ज़्यादा सर घुमा देने वाली हैं, इसलिए इसको डिटेल में जानते हैं कि मुंबई में मुकेश अंबानी के बहुमंजिला इमारत एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो मिलने के कुछ ही दिनों के बाद इस कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव मिला। आरोपों की सुई विवादित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की तरफ मुड़ी, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वाजे के माध्यम से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया। अब खुलासा हुआ है कि सचिन वाजे के लिए मुंबई के एक स्वर्ण व्यवसायी के कहने पर 25 लाख रुपए खर्च कर मुंबई के 5-स्टार होटल ट्राइडेंट में 100 दिनों के लिए कमरा बुक कराया गया था। इस कमरे का मात्र एक दिन का किराया है 10,000 रुपये। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने होटल का दौरा किया और कमरे की जांच की, जिसके बाद कई सबूत हाथ लगे। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, बुकिंग रिकॉर्ड्स जांचे गए और होटल कर्मचारियों के बयान दर्ज हुए। इस कमरे का नंबर 1964 है जो कि 19वीं मंजिल पर स्थित है। एक ट्रैवल एजेंट ने ये कमरा बुक कराया था। सुशांत सदाशिव खामकर नाम के फर्जी आधार कार्ड बनवा कर कमरा बुक किया गया था। जिस स्वर्ण व्यवसायी के कहने पर कमरा बुक करवाया गया था उससे भी NIA ने पूछताछ की है। कारोबारी ने बताया कि उसके खिलाफ मुंबई के LT नगर और कांजुमार पुलिस स्टेशन में 2 पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। वाजे ने उसे फंसाने की उसमें धमकी दी थी। वाजे ने उसे लालच दिया था कि अगर वो कमरा बुक करवाता है तो उसे दोनों केस से निकाल दिया जाएगा। 25 लाख रुपए में से 13 लाख कैश ट्रेवल एजेंट ने होटल को दिए थे। बताया जा रहा है कि सचिन वाजे को पहले से आशंका थी कि उसे छिपना पड़ सकता है, इसलिए उसने पहले ही उसकी व्यवस्था कर ली थी। 4 दिन वाजे वहाँ रुका था और कई लोग उससे मिलने वहाँ पे आए थे। NIA को 35 कैमरा फुटेज हाथ लगे। स्वर्ण कारोबारी को वाजे ने 3 बड़े होटलों का विकल्प दिया था, ताज, ट्राइडेंट और ओबरॉय। तीनों ही उसके दफ्तर के करीब थे। फरवरी 16 से 20 तक वाजे उन होटलों में रुका भी था। उसके साथ एक महिला को भी देखा गया था। उस महिला की पहचान अब तक बाहर नहीं आ सकी है, लेकिन NIA ने उसे चिन्हित कर समन भेजने की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट मतलब CIU हेड रहते किसी मामले में पूछताछ के लिए वाजे ने उस महिला को बुलाया था। वाजे होटल में 5 काले रंग के बैग लेकर घुसा था। बैग में क्या था और वो अभी कहाँ है, इस पर जाँच चल रही है। फर्जी आधार में जन्मतिथि 15 जून 1972 लिखी थी, जबकि वाजे की जन्मतिथि 22 फरवरी 1972 है। इसी बीच अनिल देशमुख ने ट्वीट किया है कि मतलब वो जो है जांच में पूरा सहयोग चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने CM उद्धव ठाकरे को भी बात कह दी है। परमबीर सिंह द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों की जाँच करवाकर दूध का दूध पानी का पानी करने की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करी है। अगर वे जाँच के आदेश देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूँगा। वाजे का करीबी रियाजुद्दीन काजी ही उसके खिलाफ अप्रूवर बनने के लिए तैयार हो गया है। काजी को सचिन वाजे की आवासीय सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज जो है उसके सबूतों को नष्ट करने के आरोप में पकड़ा गया था। काजी भी मुंबई पुलिस का अधिकारी है। वाजे ने कई लग्जरी कारों का प्रयोग किया था जिनमें से कई जब्त की जा चुकी हैं। अब मनसुख हिरेन मामले की जाँच भी ATS की जगह अब NIA ही करेगी, जिसके बाद ATS ने ताबड़तोड़ ये कह दिया था कि हमने मनसुख हिरेन केस को सुलझा लिया है। 2 या 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी इसमें, कि 2 पुलिस वाले थे, एक उसमें कोई बुकी था। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही थी। उधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की जाँच की मांग की है।
उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इसके लिए एक पत्र भी लिखा। देशमुख ने कहा है कि परमवीर सिंह द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों की जांच करवाकर सभी चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और इसके लिए मैंने इसकी मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की है और अगर वो जांच के आदेश देते हैं तो मैं इस पूरी प्रक्रिया का स्वागत करूंगा। इससे पहले पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह इस मामले की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां इन आरोपों को गंभीर बताते हुए उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र में रोज़ बदलते घटनाक्रम के बीच में ये भी खबर आई है कि संजय राउत ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर एक रात्रि भोज का आयोजन किया था, जिसके लिए कई भाजपा सांसदों को भी निमंत्रण भेजा गया था। संजय राउत ने सभी दावों को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि ट्रांसफर रैकेट मामले के बारे में कुछ भी गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भाजपा की मजबूत महागठबंधन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि संजय राउत जो हैं वो तो वैसे भी हर एक चीज़ में यही कहते हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अमानवीय नहीं। चाहे आप सचिन वाजे की ही बात कर लीजिए, शुरुआत में उनका कितना सपोर्ट किया गया था, कहा गया था कि भाई भैया वो तो सही है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, मतलब हर तरीके से उसको सही दिखाने की एक कोशिश की जा रही थी कि नहीं वो पूरी तरीके से सही है अपनी जगह पे और गलत वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये तक कह दिया गया था कि भाई वो कोई ओसामा बिन लादेन तो है नहीं जिसको अपन लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कई सारी बातें सामने आई, लेकिन यहाँ पे जो फर्जी आधार कार्ड वाला जो मामला सामने आया है उसने वाकई में सबके कान खड़े कर दिए कि आखिर कैसे कोई इतना बड़ा पुलिस अधिकारी इतने सारे घटिया काम इकट्ठे कर सकता है। फर्जी आधार कार्ड बनाना वैसे भी हमारे देश में कानूनन जुर्म है, और वो भी तब जब आप खुद ही कानून के रखवाले हैं और आप खुद ही इस तरीके से कानून को हाशिए पर लेकर घूम रहे हैं। होटल किस वजह से किया गया था, क्यों किया गया था, छुपने के इरादे से किया गया था या जब लगता कि भाई कार्रवाई बड़ी हो सकती है तो उस समय किया गया था, ये सभी बातें हमको आने वाले समय में जिस तरीके से जाँच आगे बढ़ रही है जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ये समझने वाली होगी कि ये जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं इनका असर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति पे पड़ना तय है, क्योंकि लोग ये सभी चीज़ें बहुत क्लोजली देख रहे हैं और ऐसे में लोगों का भरोसा धीरे धीरे ही सही पर टूटने तो लगता ही है कि भाई क्या ये वही राजनेता हैं जिनको हम लोगों ने इतनी शिद्दत से चुन के हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर भेजा था। क्योंकि कहीं ना कहीं अब चीज़ें बिखरती हुई सी दिखाई पड़ रही हैं और इस समय खिसियाहट भी लगातार आपको बम्बई के गलियारों में देखने के लिए मिल जाएगी कि भाई आखिर किस तरीके से यहाँ पर राजनीति का शोषण किया जा रहा है। बाकी जो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होऊंगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के साथ जल्दी ही आपके सामने पेश होऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।